अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज का सीन कुछ इस तरह का है कि आज घर से ज़रा बाहर निकला हुआ हूँ और घर में बैठ बैठ के थक गया था, तो सोचा ज़रा बाहर निकला हूँ। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पर, मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, कभी गर्मी होती है तो कभी सर्दी। अभी आज 24 मई हो गई है और अभी तक ठंड है यहाँ पर। तो गाइस जब भी टाइम मिलता है यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ, यहाँ पर आकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, टाइम थोड़ा अच्छा गुजर जाता है और तो कोई मसरूफियत है नहीं, टाइम स्पेंड करने की और तो कोई जगह है नहीं। चलो यहाँ पर पार्क में आ जाते हैं, मौसम बहुत अच्छा है इसलिए पार्क में टाइम गुजारा हुआ अच्छा गुजर जाता है। तो गाइस यहाँ पर मौसम का कुछ पता नहीं चलता, कभी गर्मी होती है तो फिर सर्दी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर 3 W's का कभी भी एतबार मत करो। वो कौन से 3 W's हैं? वेदर, वेल्थ एंड वुमेन। इन 3 का कभी भी एतबार ना करो, ये फ़ौरन चेंज हो जाते हैं। मुझे अब सही मानों में ठंड लगना शुरू हो। जी तो गाइस आपने मौसम चेक किया, बहुत ही ज़ालिम मौसम है यहाँ पर, मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, थोड़ी देर में गर्मी होती है और अचानक फिर सर्दी शुरू हो जाती है। वाह, इसलिए यहाँ पर हर वक्त जैकेट पहन के रखनी पड़ती है क्योंकि मौसम का कोई एतबार नहीं है। गाइस मुझे तो यहाँ पर सर्दी लगना शुरू हो गई है, ऐसा करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि बॉडी स्ट्रेच आउट हो जाए और थोड़ी सर्दी भी कम हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज और फिर घर चलते हैं। जी तो गाइस थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेच कर ली, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, अब थोड़ी सर्दी भी कम लग रही है, पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। यहाँ पर मौसम का भी नहीं पता चलता, कल इतनी गर्मी थी और आज ठंड बनी हुई है। अब वैसे पाकिस्तान में तो इस वक्त बहुत गर्मी चल रही है, बहुत ज़्यादा, अभी बारिशें शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पर भी मौसम अच्छा हो गया, तो वहाँ पर भी अब इतनी गर्मी नहीं है, मौसम थोड़ा खुशगवार हो गया, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। तो गाइस मैं अभी घर की तरफ जा रहा हूँ, आज कोई इतनी ख़ास बातें हैं नहीं जो आपसे शेयर करूँ, बस घर से बाहर निकला था तो सोचा आप लोगों से भी बात कर लूँ, तो फिर इंशाल्लाह जो भी होगा साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
प्लीज सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।